तो वहाँ पे मैंने काफ़ी बॉम्ब ब्लास्टिंग देखी, फायरिंग भी देखी, पर अभी मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि मैं अपने देश वापस सुरक्षित लौट आई। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध में से विदिशा के बसोदा की छात्रा सृष्टि सोनी गुरुवार को विदिशा पहुंची। विदिशा आने पर सबसे पहले छात्रा ने रंगई मंदिर पर पूजा कर भगवान को धन्यवाद कहा। सृष्टि सोनी ने बताया कि वह जिस जगह पर यूक्रेन में रह रही थी वहां पर भारी मात्रा में गोलाबारी हो रही थी, हर तरफ बम फेंके जा रहे थे। सृष्टि ने बताया कि उन्होंने 3 बॉर्डर क्रॉस किया, उसके बाद 1 दिन और 1 रात एयरपोर्ट पर गुजारा। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मदद का भरोसा दिलाया और वापस भारत लाने का वादा किया था। उन्होंने यूक्रेन से मुझे दिल्ली पहुंचने में पूरी मदद की। सृष्टि ने बताया कि यूक्रेन के हालात बेहद खराब है, वहां पर अभी भी हजारों की संख्या में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। सभी छात्र अपने देश वापस आने की कोशिश में लगे हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहले की रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। क्या नाम है? सृष्टि सोनी। जी जी सर, मैं ओडेसा में थी, ओडेसा में यूक्रेन के, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी बॉम्ब ब्लास्टिंग देखी, फायरिंग भी देखी, पर अभी मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि मैं अपने देश वापस सुरक्षित लौट आई हूँ। तो यहाँ इंडिया आने तक क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? सर ये परेशानी हुई थी कि वहाँ से मुझे काफ़ी 3 बॉर्डर्स मैंने क्रॉस की थी, और वहाँ पर जो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद एयरपोर्ट पे स्टे करना पड़ा, पूरी 1 नाइट और 1 पूरा दिन मैंने वहाँ पे स्टे किया था। फिर लेकिन होपफुली मुझे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, तो मैं वहाँ से फिर सेफली मुझे डायरेक्ट फ्लाइट मिली, तो वहाँ से मैं दिल्ली आई, फिर दिल्ली से भोपाल आई। जब आप वहाँ रोमानिया बॉर्डर पर थी तो क्या आश्वासन मिला था सर भारत सरकार के द्वारा? भारत सरकार के द्वारा यही आश्वासन था कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको जल्द से जल्द अपने घर सुरक्षित लौटाया जाएगा। वो क्या है, वो मिलने वाले बेचारे बच्चे से मिलने आए थे खन्ना जी। अच्छा, नाश्ता वास्ता कर। काफी समय से लगा हुआ हूँ किसी भी तरीके से सुरक्षित रहना लोगों को।